चरणजीत सिंह चन्नी साबका मुख्यमंत्री पंजाब वो भी काफ़ी चर्चा के रहे हैं पिछले जो विजिलेंस की पुछगिछ को लेकर बेअदबी की गई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की, तो वह व्यक्ति भी गिरफ्तार है तो वो उत्ते जोड़ा रिमांड भी हो चुके ने न्यायिक हिरासत के भी जा चुके हैं। तो इस लैके कहते जी आम आदमी पार्टी कोई कमेटी बना रही है गुरद्वारा साहब के पूरी जांच करने वास्ते, तो चन्नी साहब पिछे नहीं हटे। जड़ा घटना वापरी है मोरिंडा के ये उत्ते भी बहुत सारी सियासत जी हो रही है। वो कहें जी इन्होंने कहा कि असी बेअदबी के मामले कुछ ही दिनों के सुलझा देंगे, पर अजे तक नहीं सुलझे, बेअदबियां अजे भी हो रही ने। तो आम आदमी पार्टी कमेटी बनाने के बहाने गुरद्वारा साहब के उत्ते कब्जा करना चाहती है। चन्नी साहब का बयान, चन्नी साहब को लग्या होना कि आम आदमी पार्टी गुरुद्वारे पर कब्जा करनी चाहती है या गुरुद्वारे कब्जा करनी चाहती है। पंजाब दे विच ये गल मनी जाती है कि अगर पंजाब दे विच तुसीं सियासत करके सत्ता तक पहुँचना जी तो वो दो राह ने, एक तो पिंड की सरपंची तो गल चलती है तो तुसीं फिर सैक्रटेरिएट तक पहुँच सकते हो, तो दूसरा जदों एस जी पी सी तुहाडा कब्जा। चरणजीत सिंह चन्नी साबका मुख्यमंत्री पंजाब वो भी काफ़ी चर्चा के रहे ने पिछले जो विजिलेंस की पुछगिछ को लैके, तो हुण उन्हां ने भी वड्डा बयान दिता है, वह भी पिछे नहीं हटे जिमनी चोण नूं लैके, वह भी चोण प्रचार दे विच जुटे हुए ने कांग्रेस वल्लों। तो मामला एक आया सीगा मोरिंडा दे गुरद्वारा कोतवाली साहब का जिथे बेअदबी की गई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की, तो वह व्यक्ति भी गिरफ्तार है तो वो उत्ते जोड़ा रिमांड भी हो चुके ने न्यायिक हिरासत के भी जा चुके हैं। तो इस लैके कहते जी आम आदमी पार्टी कोई कमेटी बना रही है गुरद्वारा साहब के पूरी जांच करने वास्ते, तो चन्नी साहब पिछे नहीं हटे। वो कहते हैं जी इन्होंने कहा कि असी बेअदबी के मामले कुछ ही दिनों के सुलझा देंगे, पर अजे तक नहीं सुलझे, बेअदबियां अजे भी हो रही ने। तो आम आदमी पार्टी कमेटी बनाने के बहाने गुरद्वारा साहब के उत्ते कब्जा करना चाहती है। चन्नी साहब का बयान है, देखो राजनीतिक बयान होने जड़े है वो लीडर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जड़ा सहारा असी लै लें जी, तो जड़ा घटना वापरी है मोरिंडा दे विच इहदे उत्ते भी बहुत सारी सियासत जड़ी आ हो रही है जी। चन्नी साहब नूं लग्या होना कि आम आदमी पार्टी गुरुद्वारे ते कब्जा करनी चाहती है या गुरुद्वारियां ते कब्जा करनी चाहती है। पंजाब दे विच ये गल मनी जाती है कि अगर पंजाब दे विच तुसीं सियासत करके सत्ता तक पहुँचना जी तो उहदे दो राह ने, एक तो पिंड दी सरपंची तो गल चलती है तो तुसीं फिर सैक्रटेरिएट तक पहुँच सकते हो, तो दूसरा जदों एस जी पी सी तुहाडा कब्जा हो जाए तो फिर तुसीं सिख मानसिकता के वोटर जिहड़े आ उहनां नूं भी अपने नाल जोड़ सकते हो, और ये दोष अकाली दल ते भी लगता रहा जी। अकाली दल का कब्जा जिहड़ा रहा और अकाली दल का फायदा भी उठाउंदा रहा, इहदे विच कोई दो रावां भी नहीं हैगियां, उहनां दा बड़ा लंबा समां एस जी पी सी दे उत्ते जिहड़ा उह कब्जा रहा जी। गल हैगी आ मोरिंडे वाली, ठीक है जिहड़ियां बेअदबियां किते भी हो रही ने वो नहीं होनी चाहिए, और बड़ी अजीब गल धर्मिंदर जी ये है कि पंजाब दे विच ही क्यों बेअदबियां हो रही ने जी, यूपी दे विच नहीं हो रही। इकबाल सिंह लालपुरा होरां ने भी यही सवाल चुके ने जी जी, हरियाणे च नहीं हो रही, चोणां ते कर्नाटका च भी हो रही ने, उत्थे बेअदबियां क्यों नहीं हो रही। सो इहदा मतलब साडे लोकां नूं एक गल समझ लैनी चाहीदी है पंजाब वासियां नूं कि इह साजिशी लोक ने जिहड़े पंजाब दे हालात खराब करना चाहुंदे है, और जे जिहड़ी नवीं पीढ़ी है असीं उहनूं थोड़ा जिहा दस दईए कि थोड़ा जिहा इतिहास विच पिछे जाइए, वैसे तो बहुत वड्डे वड्डे राइटर्स ने जी बी एस सिद्धू जो कि बहुत वड्डे डिप्लोमैट रहे ने, साड़ी देश की एक बहुत वड्डी एजेंसी दे विच काम कीता, उन्होंने किताब लिखी है, सतीश जैकब ते मार्क टुल्ली उन्होंने लिखी है, उहदे विच उन्होंने जिहड़ी गल कीती है 1984 की घटना जिहड़ी है ब्लू स्टार की पंजाब के हालात नूं लैके, और उहदे विच उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि यह सारा स्क्रिप्टड सीगा जी। तुहानूं असीं दसीए कि 1982 महीना भी अप्रैल आ जिहड़ा लंघ के गया 26 अप्रैल 1982 की घटना है जदों अमृतसर दे विच शिवाला मंदिर दे अगे सवेरे सवेरे गऊआं दे सिर वढ़ के सुट्टे गए जी, और उसका जिहड़ा जिम्मेवारी है
ਉਹ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਸ ਚਰਚੇ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ